दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जी हां, बिल्कुल साजिद कोयेरी के साथ यही हुआ। मरने की कागार पर थे कहीं ना कहीं, हालत बहुत खराब थी और आमिर खान ने लास्ट वक्त पर इनकी जान बचा ली। आप सोचोगे साजिद कोयेरी आखिर है कौन और आमिर खान ने क्या ऐसा किया जो इनकी जान बच गई। आपको बता दूं, दंगल के साउंड इंजीनियर रह चुके हैं साजिद कोयेरी, और इसके अलावा ओमकार जैसी फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला है, और इसके अलावा दो फिल्मफेयर अवार्ड मिला है, दो आईफा अवार्ड मिल चुके हैं। तो साउंड इंजीनियर साजिद कोयेरी क्या हुआ था, एक ये खबर है, इसके बारे में बताता हूँ, यही खबर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे जो साउंड इंजीनियर साहब हैं, इन्हें मंगलवार को एडमिट कराया गया कोकिलाबेन अस्पताल में, मुंबई के पॉश अस्पताल, जहाँ पे अक्सर दिलीप कुमार साहब को एडमिट कराया जाता है, जो बिल्कुल फिलहाल ठीक है, अच्छे खासे। और वहाँ पर मंगलवार को एडमिट कराया गया, उन्हें कोई दो तीन चीज़ों की बीमारी बताई गई, किडनी फेलियर बताया गया और उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम बताई गई। बुधवार को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, ऐसा पता चला, बुधवार नहीं, गुरुवार के आसपास। और ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद आई थिंक डॉक्टर का वेट कर रहे थे काफ़ी वक्त तक उनके फैमिली वाले। तो अब ये हुआ कि फैमिली वाले वेट कर रहे थे साजिद कोयेरी के लिए कि डॉक्टर आया तो उनका ट्रीटमेंट हो, तो काफ़ी डिले हो रहा था वो सब प्रोसेस में, ऐसा फैमिली वालों का कहना है। उसके बाद थक हार के उनकी फैमिली वालों के पास कोई चारा नहीं बचा, उन्होंने आमिर खान को कॉल किया कि भैया ऐसा ऐसा हाल है और आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो आमिर खान ने वक्त रहते ही 12 बजे के बाद रात को पहले तो विज़िट किया वहाँ पर लीलावती अस्पताल, और वहाँ पर साजिद जो 44 साल के हैं उनकी फैमिली से मिले और उन्हें कहा कि यार यहाँ पर मैं यही कर सकता हूँ कि आपको जो मैं कहूँ वो फॉलो करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो परिवार ने कहा कि भाई जो भी हो हमारे बेटे की जान बचा लो, राइट। तो आमिर खान ने क्या किया, साजिद कोयेरी के लिए उन्हें फ़ोन किया, क्योंकि कोकिला बेन अस्पताल जो है वो अंधेरी वेस्ट में है, ठीक है, और यहाँ पर जो जिसकी बात हुई लीलावती अस्पताल जहाँ पे वो एडमिट थे मंगलवार से, वो है बांद्रा में। तो यार वहाँ पर उनकी फैमिली जब एग्री हुई साजिद की, तो वहाँ पर आमिर खान ने सीधा फ़ोन किया अनिल अंबानी को, आई थिंक यहीं पे यही स्टोरी में दिया है। तो जब फ़ोन किया देर रात, उसके बाद सब चीज़ें क्लियर हो गई, उसके बाद एडमिट कराया गया कहाँ पर, अनिल अंबानी कोकिलाबेन अस्पताल में, और तीन बजे वो भी रात के 3 बजे की बात कर रहा हूँ, जो रात के 3 बजे एडमिट कराया गया। और उसके बाद शनिवार को ये खबर आ रही कि उनकी जो तबीयत है उसमें सुधार आया है ना, जो ब्रेन स्ट्रोक हो गया था या बहुत सारी दिक्कतें हुई थी उसमें सुधार आया है, और एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेल्प की है आमिर खान ने जान बचाने के लिए। और यहाँ पे जो परिवार वाले उनका कहना है, जैसे सुधीर के ब्रदर इन लॉ का कहना है कि यार सुबह को उनको एक ब्रेन स्ट्रोक पड़ा, लेकिन जो उनका एमआरआई देखिए, थर्सडे मॉर्निंग द पेशेंट वाज व्हील्ड फॉर एमआरआई सुबह ही हुआ, लेकिन 5:30 बजे एमआरआई 5:30 बजे जाके हुआ, लेकिन सुबह से ही उनको पैरालिसिस हो गया था जब उनकी आँख बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी, तो बहुत डिले हो रहा था, वो सब एक इल्ज़ाम लगाया। वहीं अस्पताल का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने डिले कुछ नहीं किया है, और बहुत सारी चीज़ों पर दलील दी गई, जो भी हो, देखो इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं, लेकिन सीधी सी बात है एक इंसान की अगर जान जा रही है तो वो यार हर चीज़ें अपनी कोशिश करेगा, वो अस्पताल को ही ब्लेम करेगा अगर उसका जो भी पेशेंट हो वो ठीक हो या ना हो। यहाँ पर आमिर खान ने आकर बहुत बड़ी तरह से मदद की है, और आमिर खान की वजह से ही उनकी फ़िलहाल मेरे ख्याल से जान बच पाई। और यहाँ पर उनकी बहन निशा, उनका कहना है, कोयेरी की बहन है, कि यार हम ही हैड नॉट बीन देयर वी नो हाउ बैड इट कुड हैव गॉट, यानी कि अगर आमिर खान नहीं होते तो पता नहीं कि क्या हो जाता। तो यहाँ पर साजिद कोयेरी की जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया गया आमिर खान को, कि आमिर खान थे तब जाके ये एक उन्होंने जान बचाई, वो भी बहुत ही टैलेंटेड इंसान की, जो 44 साल के हैं और जो एक साउंड इंजीनियर है जिन्होंने दंगल जैसी फिल्म, ओमकार जैसी फिल्म में आई थिंक म्यूज़िक साउंड डिज़ाइनिंग की है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी खबर है, और ये दर्शाता है कि यार ये जो हमारे एक्टर है, जो आमिर खान है, सलमान, शाहरुख, ये जो काम करते हैं गरीबों के लिए या बाकी लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। असल में ये सिनेमा के ही हीरो नहीं है, ये रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं हीरो है, और ऐसे काम के लिए हम कम से कम यही कर सकते हैं, सैल्यूट दे सकते हैं। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।